हाय एवरीवन, इस लेक्चर में मैं आप लोगों को ग्रेट मैप्स के बारे में बताऊंगी। ग्रेट मैप्स क्या होते हैं, उनको कैसे लोड किया जाता है, मैप को किस तरीके से यूज करेंगे, मैप के ऊपर कैसे लोकेशन आएगा, मैप को कैसे लोड करेंगे, मैप के ऊपर मार्कर्स कैसे लगाएंगे, मैप को जूम इन जूम आउट कैसे करेंगे, मैप के ऊपर अगर कोई चीज मतलब लोकेशन आपको गिवन हो और लोकेशन के आपको पूरा एक ट्रैक बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे, पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, नेविगेट किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो टू दी पॉइंट बात करूंगी, जल्दी जल्दी कवर करूंगी, बोर्ड बताऊंगी और भी चीजें बताऊंगी। तो आज के पैनल लेक्चर शुरू करते हैं। विजुअल स्टूडियो में आप लोगों को चीजें कवर करवाऊंगी सी शार्प के ऊपर। इस लेक्चर में क्या होने वाला है, डाउनलोड करना सिखाऊंगी, ग्रेट मैप्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इम्पोर्ट कैसे करेंगे विजुअल स्टूडियो में, रेफरेंस कैसे ऐड करेंगे, उसके बाद जो हमारे विंडोज एप्लीकेशन होगी उसमें ऐड कैसे करेंगे यूआई पे, और फाइनली जो सी शार्प प्रोग्राम लिखना सिखाऊंगी कि किस तरीके से ग्रेट मैप को लोड करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ देखना है कि ग्रेट मैप्स और जी मैप दो अलग अलग चीज है। जी मैप इज गूगल मैप एंड ग्रेट मैप इज अ डीएलएल व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्रामर्स। ठीक है, और जो है इस ग्रेट मैप्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोवाइडर्स आ सकते हैं, जिसके अंदर गूगल मैप का भी प्रोवाइडर है, चाइना मैप का भी प्रोवाइडर है, मतलब एक ऐसा प्रोवाइडर प्रोवाइड कर देगा जिसमें हम बहुत सारे मैप्स को एक्सेस कर सकेंगे, चाहे वो गूगल मैप हो, चाइना का मैप हो, हाइब्रिड मैप हो, वेक्टर मैप हो, किसी भी टाइप का मैप हो, हम सारे एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है जी, इस साइट पे गए। द फर्स्ट स्टेप यूजिंग जी मैप इज डाउनलोड जी मैप। ठीक है, जी मैप इज ग्रेट मैप नॉट गूगल मैप। ठीक है जी, यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास ऐसी कोई चीज डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, दो डीएलएल फाइल्स आ जाएंगी, जी मैप डॉट नेट डॉट को डॉट डीएलएल के नाम से, और एक इसका कॉम्पोनेंट भी आ जाएगा। ठीक है, दो डीएलएल की फाइल्स हमारे पास आ जाएगी, जब हम उसकी प्रॉपर्टीज देखें तो उसकी एक्सटेंशन में भी डीएलएल आ रहा होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो का थोड़ा सा एनवायरनमेंट है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे सर्वर एक्सप्लोरर राइट साइड पे होता है, देखिए यहाँ पे हमें टूल बॉक्स नजर नहीं आ रहा है, तो हम व्यू में जाकर टूल बॉक्स को इनेबल करेंगे। ठीक है, व्यू में गए, टूल बॉक्स पे क्लिक किया, टूल बॉक्स वाली पैन यहाँ पे टॉप ओवर आ गई। इस राइट साइड पे हमारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, जिसमें हमारे पास ग्रेट मैप जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसकी चीजें आ रही है, क्योंकि मैंने विंडोज होम एप्लीकेशन लिया हुआ है। लेट मी So let me create another new project for your better understanding. ठीक है, new में क्या project करेंगे। ठीक है, पूछेगा क्या कौन सा project बनाना है, हमें Windows application form बनानी है, तो हम इसको कर देंगे, इसका name change करके लिख देंगे GMaps. अच्छा, try to use underscore instead of spaces, क्योंकि एक better notation है project लिखने का, या कोई किसी भी class का name, method का name, किसी भी variable का name लिखने का better notation है। ठीक है, ग्रेट मैप अंडरस्कोर वन कर दिया। ठीक है, इसको हमने डेस्कटॉप पे ही सेव करना है, ओके कर दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट आ गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि अच्छा, ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, विंडोज फॉर्म आ गया है। विंडोज फॉर्म का जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो फॉर्म वन ही होता है, इसको चेंज करके हम यहाँ से प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं। ठीक है, हर चीज की प्रॉपर्टीज यहाँ से चेंज हो सकती है। इसका नाम हमने रख दिया कि ग्रेट मैप व्यूअर। ठीक है, एंटर कर दिया, ये चेंज हो गया, ग्रेट मैप व्यूअर हो गया। अब ठीक है, सवाल करता ये होता है कि टूल बॉक्स में हमारे पास ग्रेट मैप आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है जी, मैप सर्च क्या नहीं आ रहा है, दैट्स मीन वी हैव टू ऐड द ऐड जी मैप हियर। ठीक है, जी मैप इज ग्रेट मैप। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमें टूल बॉक्स में जाना है, टूल बॉक्स में हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है, चूज आइटम्स के ऑप्शन में डालना है। ठीक है, इट टेक्स अ टाइम। ठीक है, कभी कभी टाइम ले लेते हैं, कभी नहीं, तो आपको सबर करने की जरूरत है। ठीक है, अब आप यहाँ करेंगे कॉम कॉम्पोनेंट्स में जाएंगे। ठीक है, कॉम कॉम्पोनेंट्स में अगेन थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, जिस पर ऐड किया, चूज आइटम किया। ठीक है, हमें क्या करना है, ऐड करने कॉम कॉम्पोनेंट्स में ऐड करना है। ठीक है, इसमें सारी जो बाय डिफॉल्ट कॉम्पोनेंट्स हो रही होती है वो वहां पे आ रही होती है, तो हमें एक्सटर्नल कॉम्पोनेंट्स ऐड करने कॉम कॉम्पोनेंट्स में। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मेरा मशीन जो है ना अभी ये कर नहीं रहा, तो इसका एक और तरीका होता है। ये देखिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है ये, तो मैं इसको अभी दूसरे तरीके से ऐड कर देती हूँ, वो ऐड करना भी आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो दूसरा तरीका कंपोनेंट्स में ऐड करने का ये होता है कि आप इसको ओपन करें। ठीक है, आप राइट साइड पर अपना ये फोल्डर ओपन कर लें जहाँ पे आपका कंपोनेंट डॉट डीएलएल के फॉर्मेट में मौजूद है। ठीक है, जिसको सिंपल क्या करना है, ड्रैग करके यहाँ लाके ड्रॉप कर देना है टूल बॉक्स के अंदर। ठीक है जी, एक मिनट।
मिलाकर ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे आपने सर्चिंग करनी है जी मैप कंट्रोल की, तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, उसको यहाँ पे लाके अपने जी आई में ड्रॉप कर देना। ठीक है जी, ये यहाँ पे जी मैप आ चुका है, इसको आप पूरे फॉर्म में ऐसे करके इसको प्लेस कर दें। ठीक है जी, अब ठीक है जी, आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब सिर्फ हमने देखिए हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट का टूल नहीं था, जो कि हमारे पास टूल बॉक्स ऑलरेडी है, तो हमने इसको एक्सटर्नली ऐड किया, तो हम इसका जो सपोर्टिंग लाइब्रेरी है उसमें एक्सटर्नली जो है सपोर्टिंग लाइब्रेरी वो भी हम एक्सटर्नली इसमें ऐड करेंगे रेफरेंस में। तो रेफरेंस पर आएंगे, रेफरेंस पर आने का तरीका बता देते हैं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाना है, रेफरेंस को एक्सपेंड करना है, देखना है कि भाई नहीं है इसमें से कुछ एक है, तो हम क्या करेंगे इसको राइट क्लिक करेंगे, एड रेफरेंस करेंगे, उसके बाद ब्राउज करेंगे कि हमारी जो एप वो थी वो कहाँ है। ठीक है जी, ये हमारे पास है टीम है इसके अंदर जी ग्रेड मैप्स के अंदर ये मौजूद है। ठीक है, इसको हमने ऐड कर दिया, इसको ओके कर दिया। ठीक है, ये चीज ऐड हो गया। ठीक है, हम इसको बिल्ड करके देखते हैं। ठीक है जी, हमने इसका रेफरेंस जो है ऐड कर लिया। आप देखें यहाँ पे रेफरेंस भी ऐड हो गया है, टूल बॉक्स के बाद यहाँ पे रेफरेंस ऐड किया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल भी मौजूद है, हम बिल्ड करके चेक करेंगे कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा किसी किस्म का, कोई रेफरेंस की कमी है, कोई लाइब्रेरी की कमी है, इस टाइप का कुछ हम बिल्ड करेंगे। ठीक है, बिल्ड करना स्टार्ट हो गया है, बिल्ड सक्सेस हो गया है, इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि विद द कंट्रोल। हाँ जी ठीक है, तो ये हमारे पास स्टार्ट हो गया है। अभी मैप के ऊपर कुछ आ नहीं रहा क्योंकि हमने अभी इसमें पेज है लोड करने वाला कोड लिखा हुआ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नोट करें कि मैप जो यहाँ पे कोने में चिपक गया और ये पूरा जो है फॉर्म जो है खाली है। ठीक है, अब इसका इसका तरीका ये होता है कि हम जो है इसको प्रॉपर्टीज का थ्रू हम इसको एंकर और डॉक करते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज में गए, अब इसको क्या करेंगे डॉक कर देंगे। डॉक से क्या होगा कि पूरे फॉर्म में चिपक जाएगा और जिस तरीके से हम फॉर्म जो है आगे पीछे करेंगे, उसको मिनिमाइज करेंगे या मैक्सिमाइज करेंगे, तो उसके जो कॉर्नर्स है वो फॉर्म में ही स्टिक रहेंगी और वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ठीक है, मैं डॉक ढूंढ रही हूँ, कहाँ चला गया, डी में होगा। ठीक है जी, ये आ गया डॉक। अब इसको क्या करेंगे डॉक को फिल कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि हम जिस तरीके से ये मूव करेंगे साथ साथ ही मूव होगा। ठीक है, तो ये एक मतलब रिस्पॉन्सिव टाइप की आपकी एक चीज बन जाएगी। अब मूव करते हैं। ठीक है, इसका नाम मैंने मैप व्यूवर वन रखा है, मैप व्यूवर रखा था, ग्रेट मैप। अब हमने क्या करना है इसकी बॉडी में जाना है और कोड करना है। बॉडी में जाने के लिए सिंपल आपने क्या करना होता है, इस पर डबल क्लिक करना होता है, ये फॉर्म पे जाता है। ठीक है, इसका सी शार्प की कोड का कुछ टेक इस तरीके का होता है कि हम जो डिफरेंट चीजें इसमें इम्पोर्ट करा रहे थे यूजिंग करके नेम स्पेस की एक चीज होती है, उसके बाद हम क्लास बना रहे होते हैं। क्लास हमारे पास पब्लिक और पार्शियल टाइप की क्लास होती है जो कि ऐसे हमको ठीक है इनिशियलाइज कंपोनेंट होता है जिसका कंस्ट्रक्टर जो खाली होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास प्राइवेट वॉइड फॉर्म वन है, इसका इसकी बॉडी में हम चीजें लिखते होते हैं। ठीक है, फॉर्म जो है फॉर्म का जो लोड का इवेंट है, इसका क्या मतलब है कि जैसे ही हम रन करेंगे फॉर्म का जो लोड का इवेंट ट्रिगर हो जाएगा, तो सबसे पहले जो चीज हमें शो करवानी है फॉर्म के लोड के अंदर ही करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम कोई बटन तो यूज नहीं कर रहे, ना ही हमने अपनी जो है कोई बटन लगाया हुआ है, ना हमने हम कोई और एक्सटर्नल टूल बॉक्स में से कोई कंट्रोल यूज करके लगा रहे हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपल ये लगाया। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम स्टार्ट करें ना, वैसे ही हमारे पास मैप लोड होकर आ जाए। ठीक है, जाएंगे ठीक है, इसको डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, ये फॉर्म का लोड तो जो इवेंट है उसके अंदर हमने ये चार पांच लाइनें हैं जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे। देखें अब क्या है कि इंस्टेंस का मोड, अब देखिए या ये जो ग्रेट मैप है ये सर्वर एंड कैश दोनों पे चलता है, मतलब इसको वन टाइम इंटरनेट की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद वन टाइम इंटरनेट पर अगर लोड हो जाए तो फिर वो कैश कर लेता है, उसके बाद इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको और भी इसके मोड्स दिखा देती हूँ। ठीक है,
कैशे ऑनली भी है, सर्वर ऑनली भी है कि सिर्फ इंटरनेट पे चले, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि सर्वर कैशे को, कि जैसे इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो तो ये कैशे कर ले, उसके बाद इंटरनेट ऑफलाइन पे भी काम करे, ठीक है वो। अब डॉक स्टाइल हमने पीछे भी किया था, आगे भी कर दिया, ठीक है। मैप प्रोवाइडर जो है दिस लाइन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैप प्रोवाइडर क्या करता है कि प्रोवाइड गूगल मैप को, सॉरी डिफरेंट प्रोवाइडर्स को कॉल करने के लिए ये लाइन यूज होती है, ठीक है। जी मैप डॉट नेट डॉट मैप प्रोवाइडर्स के बहुत सारे मैप प्रोवाइडर्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, देखें। आर्क जी आई एस वर्ल्ड 2D मैप प्रोवाइडर है, स्ट्रीट प्रोवाइडर है, बिंग मैप प्रोवाइडर है, क्लाउड मैप प्रोवाइडर है, और गूगल मैप प्रोवाइडर है, जी मैप के भी प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ गूगल मैप प्रोवाइडर यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब पॉइंट पोजीशन, मैंने इसको अपने अपने हिसाब से लोकेशन दे दी कि उसी लोकेशन पे आ जाए, ठीक है। अब पोजीशन देखिए यहाँ पर रेड कर रहा है इसके, और ये क्या कह रहा है कि द टाइप और नेम स्पेस पॉइंट लेट लॉन्ग कुड नॉट बी फाउंड, आर यू मिसिंग अ डायरेक्टिव और एन असेंबली रेफरेंस, यस वी आर मिसिंग अ डायरेक्टिव और असेंबली रेफरेंस, ठीक है। हम इसके लिए ऊपर जाएंगे और ऊपर जो है यहाँ पे एड करेंगे जीमैप के कंट्रोल्स को, ठीक है, लाइब्रेरीज को, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आए, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हियर वी गो, ठीक है, हमारे पास एक गूगल मैप का जो है एक आ गया है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अच्छा ये मैप जो अपडेटेड होता है, ये देखें डेट शेड भी आ रही होती है, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको लोकेशन बताऊंगी कि कहाँ पे एक जो मैंने लोकेशन डाली हुई है उसके ऊपर एक मार्कर आ जाए और भी चीजें। मोर अबाउट ग्रेट मैप्स आई विल शो इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए गुड बाय।